भारत के जितने भी 1857 से 1947 तक के क्रांतिकारी रहे हैं उनके जन्म और बलिदान स्थल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। डिजिटल पौधा काम नहीं करेगा ना, डिजिटल इंडिया तो समझ में आता है कि चलो बनना चाहिए, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन पौधा भी डिजिटल आप बनाकर काम चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? लोगों को टीवी पे दिखने वाला संत नजर आता है, आवश्यकता है आपने कहा अभी प्रचार के लिए, फोटो के लिए, अवेयरनेस जरूरी है, पब्लिसिटी नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ने को अगर आप स्मार्ट सिटी कहते हैं तो दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। जब बात पर्यावरण की होती है, जब बात धरती को बचाने की होती है, तो निश्चित रूप से समाज से कुछ ऐसे सिपाहियों की जरूरत महसूस होती है जो पर्यावरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें। आज जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का दौर है और पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर चिंता प्रकट होने लगी है, ऐसे में धरती को बचाना भी धरती के इन पुत्रों की ही जिम्मेदारी बनती है। आज टैलेंटेड इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने पौधे लगाने का ना सिर्फ संकल्प लिया बल्कि उन पौधों के नाम पर उन पौधों को लगाते हुए ट्रीमैन के नाम से पूरे विश्व में अपनी पहचान कायम की। आज हमारे साथ है विष्णु नांबा जी, जो पूरे देश में एक संकल्प के तौर पर वृक्षारोपण की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं वहां पर हरियाली का एक अलग संदेश लेकर समाज के बीच में उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल बस यही है कि किस तरह से पूरी प्रेरणा मिली और बहुत कम उम्र में जो कार्य आपने शुरू किया है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? 7 साल की उम्र में पहला पेड़ अपनी माँ के साथ लगाया था गांव में, और एक रेवड़ी जहाँ गोबर जानवरों का डाला जाता है उसमें वो आम की गुठली से कौपल निकलती हुई दिखाई दी, और एक छोटी सी घटना घटी कि उसको लेकर के हम माँ बेटे ले गए, और वो पहला पौधा मैंने अपनी माँ के साथ 7 साल की उम्र में लगाया था, और तब से लगातार ये परंपरा और ये व्यवस्थाएं सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके की चीज़ें यहाँ तक आ जाएगी, और ये सब होता चला गया, लोगों का सहयोग मिलता चला गया। जिस तरह का ये पूरा संकल्प था, आज पेड़ लगाने की एक शुरुआत हुई, पहले गांव से फिर शहर तक और अब पूरे देश भर में आप पहुँचते हैं। राष्ट्रपति जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ट्रीमैन के नाम से संबोधित किया और अगले दिन सारे अखबारों की सुर्खियाँ ये नाम बना, ये किस तरह का सफर, इसकी कहानी जो है वो क्या है? भारत के हमारे महान क्रांतिकारी, मेरे परिवार में बचपन में मुझे नाम सुनाए देते थे और मैं पूछता था घर वालों को, तो वो एक अवसर आया और देश के 22 राज्यों में लगभग मैं 2 साल तक 2011-12 में गया और सब प्रकार के अनुभवों को लेकर के आया। कोई परिवार बहुत दुखी था, कोई परिवार बहुत ठीक था, कोई सामान्य था, खैर, और 56 परिवार संपर्क में आए और अभी नए परिवार फिर देश भर में काफ़ी जुड़ गए हैं। उन परिवारों को लेकर के राष्ट्रपति महोदय ने आमंत्रित किया और उसके बाद में यहाँ का जो अन्य राज्यों का जो क्रांतिकारी परिवारों का डाटा है वो भी उनकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में सरकार उनके विषय में बहुत अच्छा सोचने वाली है। तो इस तरह की योजनाएँ सरकार को अभी उनकी उसमें है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने उस समय पूरी ऊर्जा के साथ में इन सब विषयों को गंभीरता से लेते हुए 22 मार्च 2012 को राष्ट्रपति भवन में राजगुरु पर डाक टिकट जारी किया, हम सब लोगों की हौसला अफजाई की, हमारे पीठ थपथपाई, हमें इतना बड़े एक आशीर्वाद उनका मिल गया कि जो उनके शब्द थे वो हमारी पहचान बन गए, देश और दुनिया में आज हम उस नाम से जाने जाने लगे, नहीं तो गाँव में पौधा चोर और इस तरह की चीज़ें थी, आज वो बदली और यहाँ तक पहुँच गए के नाम से जाना जाता। तो जो क्रांतिकारी परिवार थे जिनकी तलाश आपने की, लगभग ये सफर कितने सालों का था, कैसे लोग मिले और फिर किस तरह से, क्या वो एक टीस रही मन में जो लेकर आप उन राष्ट्रपति भवन तक उन सभी परिवारों को लेकर पहुंचे? देखिए, सबसे पहले हम निकले 1857 की क्रांति के रणनीतिकार, रचनाकार, महानायक तात्या टोपे के परिवार को तलाशने आप ही के मध्य प्रदेश में,
परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, हालत खराब है। और शिवपुरी में परिवार अभी जो रहता है उनसे मिला हूँ मैं, बराबर मेरे परिवार का हिस्सा है सब। वहाँ से और कई क्रांतिकारी परिवारों को मध्य प्रदेश में तलाशने का मौका मिला और अन्य राज्यों में बढ़े। अशफाक उल्ला खान 1947 की जंग आज़ादी के पहले मुस्लिम शहीद रहे हैं, उनके यहाँ जाना हुआ। ऐसे देश भर में जहाँ भी गए वहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अनुभव थे, किसी का परिवार ठीक था, लेकिन अधिकतर परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का परिवार जिस हालात से आज भी गुजर रहा है वो बड़ा गंभीर है। शहीद उद्धम सिंह ने जिस घर में आंखें खोली वो आज भूमाफियाओं के कब्जे में है, वहाँ शराब की दुकान लगी हुई है। ऐसे कई गंभीर चीज़ें हैं जो हमने चिल्ला चिल्ला कर देश के कई राज्यों में कही है, 5-7 मुख्यमंत्रियों से मैंने खुद कहा है, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी वो अर्जी लगाई है। विषय ये नहीं है कि क्रांतिकारी ने अपने त्याग और तपस्या बलिदान क्यों दिया, क्या इन परिवारों के लिए दिया? नहीं। क्या ये परिवार ऐसा मानते हैं कि उन्होंने हमारे सुख सुविधाओं के लिए दे दिया कि हमारी 7 पीढ़ियां तर जाए नेताओं की तरह, जैसे आजकल नेता तर जाते हैं, एक बन जाए मंत्री तो 7 पीढ़ियां फिर हो गई, तो वैसे नहीं। और उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भारत इतना कमजोर नहीं है, इतनी स्थिति खराब नहीं है हमारी कि हम उनके लिए कुछ सोच ना सकें। हमारी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से ये अपील है, ये आग्रह है कि भारत के जितने भी 1857 से 1947 तक के क्रांतिकारी रहे हैं उनके जन्म और बलिदान स्थल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हों। हम नहीं चाहते आप बहुत बड़ा कॉन्क्रीट का जंगल खड़ा कर दीजिए, हम चाहते हैं आप एक 50 गज की जगह को एक गार्डन टाइप कुछ देख लीजिए, हल्की सी उनकी दीवार हो गई, एक आदमकद प्रतिमा लग गई वहाँ, उसका जब बलिदान और जन्म दिवस आए उस दिन वहाँ का पटवारी गिरदा और ग्राम सेवक कोई जाए और माल्यार्पण कर जरा सैल्यूट करेगा, कोई पत्रकार मित्र आपकी तरह उसको छाप भी देगा, 4 बच्चों को पता चलेगा कि आज फलाने जी का बलिदान दिवस था, आज महारानी बाई का जन्म दिवस था, आज उनका बलिदान दिवस था। ये चीज़ें तो ये परंपरा का एक संभाग बनना चाहिए, आगे चलना चाहिए। आने वाले अभी 70 साल कुछ जो शहीद अभी 70 साल पहले शहीद हुए उन्हीं का पता नहीं है लोगों को, ये पुराने को तो बच्चे अगर इसी तरह से रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। कलपतरु संस्थान जो हम जिससे जुड़े हैं हमारी ये उसमें आग्रह है कि सरकार हमें सेवा का मौका दे उस अभियान में, अगर वो जितने ही क्रांतिकारियों के जन्मदिन और जन्म स्थल और बलिदान स्थलों को स्मारक के रूप में डेवलप करेंगे वहाँ पर कलपतरु संस्थान पूरे देश में जन सहभागिता से पौधारोपण का काम निःशुल्क करेगा। ये हमारा कमिटमेंट सरकार के साथ है, देश में जितने क्रांतिकारी परिवार होंगे। अब सरकार के आदेश की प्रतीक्षा है। और एक इस विषय के साथ जब आप जुड़े, पौधारोपण और वृक्षारोपण अपनी जगह ठीक है, आमतौर पर लोग शहरों में से फोटो खिंचाने तक या अपने आयोजनों को प्रचारित करने तक, एक ऐसा बेल्ट जहां लोग जाने से कतराते हैं, मध्य प्रदेश की ही चंबल और उन इलाकों की बीहड़ की हम बात करें जहां शायद आम आदमी की पहुंच नहीं है, लोगों को पता नहीं कि उन लोगों का जनजीवन क्या है, ऐसे लोगों के बीच आप जाते हैं और उन लोगों के मानसिकता में परिवर्तन करते हुए जंगल की रक्षा का संकल्प उन्हें दिलवाते हैं, तो ये किस तरह की एक पहल रही? और जब उन परिवारों के बीच आप गए तो क्या देखने को मिला, किस तरह से सहयोग की भावना वहां पैदा हुई? मैंने फिल्म पान सिंह तोमर देखी, उससे प्रेरित हुआ और निकल पड़ा भीड़ों की ओर। 8-9 महीने उनके बीच में रहने का मौका मिला, सभी लोगों का उसमें मुझे सहयोग मिला मेरे अभियान में, चाहे वो मोहर सिंह हो, मुन्ना सिंह हो, सरू सिंह, बलवंत सिंह, दादा मलखान सिंह सर, ये आपकी रेणु यादव और ऐसे बहुत सारे, लगभग 38 पूर्व दस्यु जो खुख्यात दस्यु रहे हैं वो जयपुर भी हमारे आग्रह पर आए और उन्होंने संकल्प लिया कि अगर सरकार सहयोग करती है तो हरे पेड़ों की कटाई के नाम पर एक पत्ता नहीं कटेगा चंबल से लेकर चित्रकूट तक, अवैध खनन के नाम पर एक कंकर नहीं उठेगा, शिकार के नाम पर एक चींटी नहीं मरेगी। उस मांग को लेकर के सम्माननीय भूतपूर्व वन और पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार के आदरणीय अनिल माधव दवे साहब हमारे बीच नहीं रहे, हम बड़ा मिस करते हैं उन्हें। दवे साहब की सेवा मैंने वो सब प्रस्तुत किया था, दिल्ली उन्होंने बुलाया, मिलके भी आया, लेकिन उसके परिणाम नहीं आए क्योंकि वो परिणाम आने से पहले ये इंसिडेंट हो गया।
डॉक्टर सॉरी प्रकाश जावड़ेकर साहब आए, प्रकाश जावड़ेकर जी के सामने हमने विषय रखा। जावड़ेकर जी बहुत व्यस्त रहे, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, तो हम उनकी सेवाओं का लाभ नहीं ले सके। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब आए हैं, मेरी मीटिंग हुई है जयपुर में, कई सारे लगभग 2.5-3 घंटे मीटिंग हुई है हमारी कई विषयों को लेकर के। मैंने जो कुछ आग्रह किए हैं अगर वो सरकार तक पहुँचे हों और उन पर अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जिन चंबल के खतरनाक भीड़ों में, जिन सन्नाटों में, जहाँ पर आदमी को आंखों के सामने मौत नज़र आती है, जो बाहर से हैं और जो भीड़ से हैं उसको तो मोहब्बत लगती है, वो तो उसके बगैर जी ही नहीं सकता। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भीड़ में जा कर के। तो वहाँ जो औपचारिकता नहीं है, सब कुछ आत्मीयता से होता है, जो होता है सामने होता है। तो वो जो चीज़ें थी वो सारी हमने सरकार के सामने रखी और हमने आग्रह किया, 15-17 मांगे लगे रखी है। पर्यटन की दृष्टि से डेवलप हो भीड़, हमारे पास एक नया माध्यम हो सकता है। वहाँ जो वनौषधियाँ हैं उनको सिर्फ जस्वी जानते हैं, क्योंकि जस्वी वहाँ रहे हैं, वो वनौषधियाँ बचाई जाए, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति की वनौषधियाँ धीरे धीरे भारत से खत्म होती जा रही हैं या फिर विदेशी ले जा करके अपना पेटेंट करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ऐसे कई सारी बड़ी चीज़ें थी, दस्यु परिवारों के बच्चों को पढ़ाने को लेकर कई सारे विषय थे, वो हमने सरकार के सामने रखे हैं। और 4.5 साल तो हो गए सरकार को, अभी तक कोई परिणाम आए तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर कोई आता है तो देखें, आ जाए अब आ जाए। ये थोड़ी सी बात वैसी हुई जैसे जब दाना मांझी ने पूरा पहाड़ काटा और अंत में जब वो इंदिरा गांधी के पास अपनी सहायता लेने गए थे तो कहीं ना कहीं वो सहयोग सरकार से नहीं मिल पाया था। आज इतने सालों बाद फिर हम वही देख रहे हैं कि एक बदलाव के बयार लेकर जब आप निकले हैं, लगातार सरकार के मंत्रालयों में लगातार सरकार के प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सहयोग अपेक्षित है, उसमें कमी है, इच्छा शक्ति की एक कमी है? निस्संदेह कमी है। एक व्यक्ति अपना जीवन त्याग तपस्या बलिदान और किसे कहते हैं? आज का जो युवा है न खाने का खा रहा है, न पीने का पी रहा है, न करने का कर रहा है, न सोचने का सोच रहा है। भारत के टुकड़े करने की बातें हो रही है उस दौर में, सिर्फ 24 घंटे पर्यावरण के चिंतन की बात चल रही है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। डिजिटल पौधा काम नहीं करेगा ना, डिजिटल इंडिया तो समझ में आता है कि चलो बनना चाहिए, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन पौधा भी डिजिटल आप बनाकर काम चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सम्मान्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की प्रेरणा है, पूरे विश्व के लिए ताकत बने हैं, अब उन तक बात तो पहुंचे। जो लोग माध्यम बने हैं वो वैज्ञानिक हैं, वो साइंस के आदमी हैं, आपने उनको पर्यावरण पकड़ा दिया, भगवान को पकड़ा दिया ना किसी को, जो उसकी समझ रखता है। तो मेरा निवेदन ये था कि चिंतन के साथ में कोई भी चीज, कि वैसे कई सारे विषय हैं जहां पर आपकी सरकार जा नहीं सकती है, जहां पर आपका वन और पर्यावरण विभाग का अधिकारी की औकात नहीं है वहां घुस जाए, जिन भीड़ों में वहां पर घर बना के आए हैं, दिल जीत कर आए हैं, लोगों को साथ लेके आए हैं, बंदूक नीचे रखवा दिए हैं, पौधे हाथ में ले लिए हैं, क्या चाहते हैं आप फिर? और कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? इससे बड़ा कोई वाल्मीकि होगा कलयुग में जो ये लोगों ने करके दिखाया है? मुझे सीखने को मिला उन लोगों से, गया था कुछ ज्ञान देने, लेके ज्ञान लेके आया हूँ, सीख के आया हूँ उन लोगों से जिन्होंने 550 दस्युओं के सरदार रहे। पंचम सिंह जैसे आदमी ने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, अन्याय का रास्ता ठीक नहीं है, बंदूक का रास्ता ठीक नहीं है, युवा भटक रहा देश का, न्याय की तरफ बढ़ो, संविधान की इज्जत करो, भारत के कानून की कदर करो, कमजोर मत होने दो इसको, ये आपकी ताकत है। आम भारत के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो रही है, कहाँ पहुंचा जा रहा है? मैं आपकी चापलूसी कर लूँ, तलवे चाट लूँ, आप मुझे कोई मंत्री फंत्री बना दो छोटा मोटा, या कोई अधिकारी बना दो, हो गया काम। ये 4-5 साल का खेल हो सकता है, कुछ दिनों का मजा हो सकता है, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी अगर आप इस तरह से देश के साथ अन्याय करते हैं। तो अभी देखने में ये आया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव दिखा, थोड़े दिन पहले जो कुछ 4-5 संत हैं नर्मदा यात्रा निकालने की तैयारी में थे और शायद इस यात्रा के माध्यम से सरकार की बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो लोगों के बीच आती, ऐसे में फिर से उन्हें राज्य मंत्री का पद या दर्जा देकर और कहीं ना कहीं सरकार के साथ समन्वय बनाने के लिए राजी कर लेना, ये कितना सही निर्णय मानते? क्या सरकार अगर इस तरह से लोगों को रेवड़ी की तरह पद बांटती जाएगी तो लगता है पर्यावरण का या फिर राष्ट्र का या देश का या हमारे पर्टिकुलर मध्य प्रदेश राज्य का भला होगा? अभी सत्ता जो है संतों के हाथ में आई है और पूरी उम्मीद है, नर्मदा जी की ये लोग पूजा करते रहे हैं लंबे समय तक, जैसा आपने बताया कि बहुत लंबे समय से इस विषय को लेकर के चल रहे थे,
अब उन्हीं के हाथों में ये आदरणीय शिवराज सिंह जी ने दिया है विषय, तो मुझे लगता है कि ये इनकी जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया के सामने रखें। नर्मदा हमारी माँ है, एक भारत ही तो है जहाँ पर नदी भी माँ है, पहाड़ भी हमारा पिता समान है और पत्थर भी हमारे देवता समान है। तो ऐसी महान संस्कृति जो है पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाली, राष्ट्र और समाज का उत्थान करने वाली भारत की संस्कृति है। पूरी दुनिया का हर देश अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, एक भारत ही तो है जो अपनी मातृभूमि से प्यार भी करता है, उसकी पूजा भी करता है। अटल जी हमारे बीच आज मौजूद हैं, उन्होंने कहा, अपनी कविता में लिखा, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये महान संस्कृति होनी चाहिए। और जो लोग गलत कर रहे हैं, क्या उनको देख करके हम लोग चुप बैठ जाएं? अगर उनको देख के चुप बैठ गए तो फिर कैसे आदर्श निकलेंगे? कोई तो निकले कहीं, हम लोग चलो कम से कम थोड़ा इस रास्ते में कदम तो बढ़ा पाए। हम भी चुप बैठ जाते, भूखे नंगे प्यासे रह करके कितने साल हो गए, 24 साल, किन किन संघर्षों में, 4-5 दिन में रोटी बनाते, कभी अखबार के टुकड़े में कितना सा टुकड़ा रख देते, और कभी उस टुकड़े को, कभी प्रवास से रात को 2-2.5 बजे आते और भूख लगती तो उन टुकड़ों को निकाल निकाल के पानी में गला करके कौन खाएगा, कितनी बार। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, सांस सांस को भी चैलेंज, तू निकल जा भले ही, मैं तो नहीं आ रहा। राष्ट्र और समाज के उत्थान में अगर रुके तो सांस रुके, कदम तो नहीं रुके। परमात्मा से भी यही प्रार्थना है, क्योंकि हमारा अतीत बड़ा खतरनाक रहा है। वो मैसेज था, भगत सिंह चाहता तो बम उस जगह फेंकता जहां पर लोग बैठे थे, कईयों की फाइल सलटा के मरता, लेकिन उसने बम वहां फेंका, वो सिर्फ एक मैसेज देना चाहता था। उसके उसका कितना बड़ा दिमाग रहा होगा भगत सिंह का, कैसे ये लोग आ गए और अपने आप को खत्म करके चले गए। ऋषियों मुनियों का, संतों का देश, और ऐसे देश में चंद व्यापारी लोग आकर के बदनाम कर रहे हैं संतों को। आप देखिए संतों की ये संतानें भारत में है कितनी, लेकिन अब ठीक है, क्या किया जाए, लोगों को टीवी पे दिखने वाला संत नजर आता है, आवश्यकता है। आपने कहा अभी प्रचार के लिए, फोटो के लिए, अवेयरनेस जरूरी है, पब्लिसिटी नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल सही। फोटो पौधों लगा करके, फोटो खींच के आप किसी को भेजते हो सेव ट्री, तो उसको पढ़ने में तो आता है, 100 दिन में 4 दिन में एक बार उसको समझ में आएगा कि चलो मैं आज अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगा लेता हूं। जिस आदमी ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए, उसे चिता पर जलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ईंधन के काम में आता है, फर्नीचर के काम में आता है, जब मरेगा तब 3 पेड़ लेके मरेगा। धरती तो पहले ही, आप धरती के कर्जदार हैं, कुछ तो कर चुका के जाइए भाई। और भारत सरकार अगर इस तरह का नियम बना देती है कि हर व्यक्ति, राशन कार्ड में 5 व्यक्ति हैं तो 25 पौधे इस घर के तय हैं। वो गरीब है अमीर अलग विषय है, उसका वो आप एक तकाजा तय हो, एक सिस्टम तय हो, और हमने उसी के तहत एक ट्री एक्ट बना करके सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, वो आज भी पेंडिंग पड़ा है। तो परिणाम आते हैं तो अच्छी बात है। बहुत आसान है केजरीवाल बनना, अन्ना बनना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक विषय ये भी है कि जिस तरह से पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश को अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला प्रदेश हुआ करता था एक समय पे, और उसके साथ ही नदियों का जिसे कहा जाए संसार, वो पूरा मध्य प्रदेश हुआ करता। आज नदियां या तो नाले में परिवर्तित हो गई हैं, या नदियां सूखकर ऐसी स्थिति में चली गई कि आसपास के बच्चों को इस बात की जानकारी भी नहीं है किसी समय यहां सरस्वती या चंबल जैसी नदियां हुआ करती थी। नदियों को बचाने के लिए कैसे जरूरत महसूस होती है आज? मध्य प्रदेश में घूम घूम कर देख रहा हूं, प्रयास प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो हम देखते हैं वो बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हुए होते हैं, और पूरे देश में आपकी स्टेट का एड जरूर जाता है, किसी और स्टेट का एड आए नहीं आए, आपका नेशनल एड जरूर जाता है सरकार की तरफ से। आज ये योजना, आज वो योजना, वो यहाँ भी मुझे दिखाई दे ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ भी मुझे दिखाई दे ऐसी मेरी इच्छा है। तो वो नदियों की स्थिति है, सारे जो गंदे नाले आते हैं वो नदियों में पड़े हुए हैं, शिप्रा, नर्मदा, आपकी जितनी नदियां हैं उनको लोग यहां पर आकर के डुबकी लगा के ये मानते हैं कि मेरे 7 जन्मों के पाप कट गए। भगवान राम को भी श्राद्ध करने के लिए शिप्रा के तट पर आना पड़ा। कितनी पवित्र नदी है, साक्षात माँ है, देवी है, और आप गंदा नाला मां छोड़ रहे हैं। आपको समाज ने इस नाते बनाया है, इतनी जिम्मेदारी दी है,
तो इस तरह की चीजें जो है उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। सीएसआर का, सीएसआर की पालना नहीं हो रही, हाईकोर्ट के आदेश से आप अपने 2-3% जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अपनी आय का 2% जो समाज सेवा में खर्च करते हैं प्लांटेशन या इस तरह की सोशल एक्टिविटीज में, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और सरकार पूछती क्यों नहीं है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो जगाने आए हैं। अच्छा, विकास को लेकर एक देश में पूरा नारा दिया जा रहा है, स्मार्ट हो रहा है भारत, और विकास की हर तरफ बात कही जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, तो विकास के, विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ने को अगर आप स्मार्ट सिटी कहते हैं तो दुर्भाग्य की बात है। सड़क चौड़ी हो रही है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन जो पेड़ लगे हुए हैं उनको चार गुना जो काट आप काटोगे, चार गुना लगाने की बात कह करके उनको पहले लगाइए किनारे पे, और फिर उनको बाद में निकालिए, और उनको काटिए मत, कोशिश कीजिए मशीन मंगवा लीजिए। सेजवार जी को पत्र लिखूंगा मैं जाकर के, गौरीशंकर जी को और आनंद सिंह जी दोनों को लिखूंगा, आपके यहाँ एक भी समस्या है, वन और पर्यावरण एक आदमी को देते समझ में आता है, दो एक प्रकार के विभागों को दो दो को दे रखा है, तो इसलिए चलो हम सोच रहे हैं तो काम बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये है, तो इसलिए विषय है कि ये गंभीरता से लेने वाले विषय हैं, इनको भगवान ने मौका दिया सेवा का, तो इनको कर्म पूरा जान जी जान से काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में नौकरी करना नौकरी नहीं है, परमात्मा की सेवा है, ये देवभूमि है, यहाँ पर सीएम बनने का मतलब समझ लो कि परमात्मा ने आपको चुना है सेवा के लिए, तो फिर जी जान लगानी चाहिए। तो सबके लाडले मामा जो हैं वो सब लोगों का ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, नदियों का, और 6 करोड़ जो हैं उसकी रिपोर्ट भी आज आ गई है, वो आपने देख लिया है, तो वास्तव में लगने चाहिए, तब जाकर के आनंद आए। ये तो सरकार को लेकर क्या मानते हैं, जिस तरह से आंकड़ों में पौधारोपण दिखाया जाता है और वास्तविक धरा, सरकारों के भरोसे सब काम मत छोड़िए, वन विभागों ने अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो आज हिंदुस्तान के जंगलों का 1% कम नहीं होता, अभी कुछ सालों में 1% जो बढ़ा है वो हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कोई एक सरकार अगर अपना क्रेडिट लेना चाहे तो उचित नहीं है। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश और दुनिया का जो भी व्यक्ति और संस्था अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देती हैं वो सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं, ये सबके सहयोग से हुआ है। सरकार की कोई भी योजना बिना जन सहभागिता के नहीं हो सकती, आप जन सहभागिता अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक वो अभियान जाए तब जाकर के वो कार्य संपन्न होगा। आप ये चाहते हो कि मैं टीवी अखबार में ऐड दे दूं केवल, और केवल मंच पे भाषण दे दूं और वो ये योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसके लिए योजना बनाना, उसके लिए संघर्ष करेंगे, तब जाकर के सार्थक परिणाम दिखाई देंगे, और तब जाके हमारा हरित मध्य प्रदेश होगा, और हरित होगा तभी हर्षित मध्य प्रदेश होगा, और हर्षित होगा तभी दुनिया को मुंह दिखाने लायक रहेंगे, नहीं तो हर आदमी सवाल एक ही करेगा, आपके 6 करोड़ पौधे कहाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो टैलेंटेड इंडिया पोर्टल है ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत सारे युवा जो हैं आप जैसे शख्सियतों से रूबरू होते हैं, तो ऐसे युवा जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, देश के लिए पर्यावरण के लिए कुछ करें, इन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो टैलेंटेड इंडिया पोर्टल को मेरी शुभकामनाएं। भारत युवाओं का देश है, भारत पर बड़ी जिम्मेदारी है, हर देश हमें आदर्श के रूप में देखता है, और इन दिनों तो हमारी सम्मान्य प्रधानमंत्री जी कारण विशेष रूप से उन्हें बधाई देना चाहूँगा, उनकी वजह से पूरी दुनिया में हम चर्चाओं में हैं, सम्मानजनक स्थिति से और देखे जा रहे हैं। तो भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है, आने वाला समय भारत का समय है, पूरे विश्व में हम लोग कीर्तिमान कायम करने वाले हैं, नासा में 33% वैज्ञानिक हमारे हैं, आज हमारी बेटियों ने कीर्तिमान कायम किए हैं, गरीब से गरीब परिवारों से निकलने वाली बेटियों ने पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। जहाँ पर भी दुनिया के अंतिम से अंतिम देश में भी जहाँ भी पहुँचेंगे आपको भारत का व्यक्ति नेतृत्व करता दिखाई देगा, ये हमारा सनातन गुण है, इस गुण को बरकरार रखने का काम करें, वन बेटियों की कदर करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीवों में परमात्मा देखें। भारत के टुकड़ों की बात कर रहे हैं, आते जाते रहेंगे ऐसे बहुत सारे आए गए गजनी, ये कितने सारे जो औरंगजेब फौरंगजेब टाइप के ऐसे बहुत गधे घोड़े आते रहे, उनसे जब भारत नहीं टूटा तो ये क्या है। तो इसलिए आप सब लोग आगे आने भारत को मजबूत बनाएं और भारत की कामयाबी के लिए काम करें। आप अपने जीवन में सिर्फ ये तय कर लें, मेरे आग्रह पर, व्यक्तिगत आग्रह पर, तो 5 पौधे आप जीवन में जरूर लगाकर बड़े कीजिए, और हमेशा भारत की कामयाबी के सोचिए। हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म सबसे बड़ा है, राष्ट्र धर्म की पालना ही सबसे बड़ी पालना है। पर मैं तो, मुझे तो लगता है अगर आपने भारत की सेवा कर ली तो भारत अपने आप में एक देवता है, आपने देवता की सेवा कर ली। तो ये थे विष्णु लांबा जी, जिन्होंने बात कही पर्यावरण को बचाने की।
साथ ही साथ एक संकल्प जो वास्तव में धरातल पर नजर आना चाहिए। यदि सरकार ठान ले और आम नागरिकों तक वे सारी योजनाएं पहुंच जाए तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प होना और देश की एक अलग तस्वीर हमें नजर आ सकती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इनकी जो सोच है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जरूर परिलक्षित होगी और भारत एक हरे भरे राष्ट्र के रूप में भी पूरे विश्व की नजर में चमकता रहेगा। फिलहाल द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ आप रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।